अतिक्रमण को लेकर समय समय पर नगर निगम कार्रवाई करता रहते हैं, और हमने इसके लिए जो अभी एक छोटे हाथी की डिमांड आई थी हमारे एम्प्लॉय से कि बाजार के अंदर जो है पिकअप वगैरह का जाना बहुत मुश्किल हो जाता, तो हमने उसका एक टेंडर फ्लोट किया था जो कि अब खुल चुका है, और जल्दी उसमें नेगोशिएशन वगैरह करके हम गाड़ी नगर निगम को ठेकेदार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। उसके पश्चात वो छोटे संकरी जगहों पर भी जा पाएगी गाड़ी, तो वहां से जो भी जहां भी अतिक्रमण लोगों ने किया होगा तो उनका जो सामान वगैरह उठा करके हम यहाँ लाएंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। इस तरह से जो निवेदन है कि मैं समस्त सोलन शहर वासियों से और अपने दुकानदार भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपनी दुकानों को अपने हद में लगाकर रखें, ताकि नगर निगम को इन ऐसे कामों के लिए हमें दिक्कतें ना आए। हमें हमें किसी के दरवाजे घर दरवाजे पे आके किसी का सामान उठाना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। या आप लोगों ने जो अपने पैरापिट्स के ऊपर जो शॉप्स के बाहर है जो लोगों को बिठा करके जगह दी हुई है जिनसे आप रोजाना के पैसे ले रहे हैं, वो भी एक गलत बात है कि आप इस तरह के व्यवहार से आपके जो है नगर जो शहर की गलियां हैं तंग होती जा रही है। कभी भी किसी भी अनहोनी खुदा न खास्ता अगर कोई होती है, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को बाजार से क्रॉस कराना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे समय में प्रशासन आपकी मदद के लिए समय पर खड़े नहीं हो पाएगा, उसके बाद आप ही लोग प्रशासन को ये कहेंगे कि आप समय पर नहीं पहुंचे। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम जो है मिलकर अपने शहर को बढ़िया बनाएं और अतिक्रमण को कम से कम जो है उसको रोकें। इवन हम एक दूसरे को भी बोलें कि आप लोग जो है अपनी दुकानों को अपनी हद में लगाएं। इसके लिए हमारी एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है शहर के प्रति। धन्यवाद।